भारत में घूमने के लिए 10 बेहतरीन जगह। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारत, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार और अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह भारत के साथ अलग अलग देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत की सीमाओं के भीतर 20 से अधिक अधिकृत भाषाएं, कई धर्म और विविध प्रकार के व्यंजन मौजूद है। वास्तव में भारतीय संस्कृति और इतिहास की व्यापकता का अनुभव करने के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण है। तो चलिए भारत में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों पर एक नजर डालते हैं। हाय, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं एटीजेड फ्रेमिंग में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, उदयपुर। झीलों का शहर। उदयपुर राजस्थान में रेगिस्तान के किनारे पर रोमांटिक रूप से चमकता है। शहर हरी भरी पहाड़ियों से सुरक्षित है और यहाँ आप एक शांत झील के बीच में मनमोहक लेक पैलेस देख सकते हैं। एक और मनोरम दृश्य मानसून पैलेस के साथ भव्य लेकिन सुंदर सिटी पैलेस है, जो चमचमाती सफेद संगमरमर से बनी दीवारों के साथ खड़ा है। पुराने मंदिरों का अन्वेषण करें। भारत के इस काल्पनिक कोने की घुमावदार गलियों में घूमें और इसके प्राचीन बाजारों के अंदर के समय को देखें। नंबर 9, अमृतसर। पंजाबी शहर अमृतसर पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित है और सिखों के सबसे पवित्र स्थलों का घर है। स्वर्ण मंदिर पुरानी दीवारों वाले शहर के मध्य में है। यह शांत सिख मंदिर प्रतिबिंब और प्रेरणा के लिए एक जगह प्रदान करता है। आप धर्म उतारवा किए बिना स्वर्ण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना सिर ढक कर और अपने जूते उतार कर सम्मान दिखाना होगा। मंदिर के आसपास की सड़कें लोगों, बाजारों और गतिविधियों का उन्मादी संगम है। कुछ पारंपरिक वस्तुओं को चुनना सुनिश्चित करें, जैसे हाथ से बने हुए कतोए और नाजुक अलंकृत जूते।
नंबर 8 लद्दाख। उत्तर भारत में कश्मीर के क्षेत्र में लद्दाख एक पहाड़ी स्थान है। यह क्षेत्र बड़ा है लेकिन इसमें कम जनसंख्या घनत्व और कई खानाबदोश निवासी है। लुभावने प्राचीन दृश्य क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन वस्तुतः सभी यात्री लेह शहर में भी समय बिताएंगे। यह शहर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ लद्दाख के राजा के 17वीं शताब्दी का महल है। लेह में बौद्ध संस्कृति भी प्रमुख है और आप कई बौद्ध मठों और मंदिरों में से कुछ का पता लगाना चाह सकते हैं। नंबर 7 गोवा बीच। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा स्थित है, जो पुर्तगाल का एक पूर्व उपनिवेश है, जो भारतीय संस्कृति के प्रभावों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ मिश्रित करता है। गोवा बड़े पैमाने पर अपने शानदार समुद्र तटों के कारण लोकप्रिय है। सबसे व्यस्त है कैंडोलिम बीच, जहां दुनिया भर के यात्री धूप सेकने के लिए आते हैं। इसके विपरीत अंजुना समुद्र तट पर बहुत कम भीड़ होती है। यह एक अद्भुत जगह भी है, जहां आप चपोरा किले तक चलकर जा सकते हैं और अतिले समुद्र तट को एक नए दृष्टिकोण से निहार सकते हैं। पालो लेन को पूरे गोवा के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इसकी प्राकृतिक खाड़ी दोनों तरफ उच्च हैंडलैंड से घिरी हुई है। नंबर 6 दिल्ली। यदि आप उत्तर भारत में कोई समय बिता रहे हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे। विशाल विशाल गंतव्य कई जिलों का घर है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दिल्ली में शीर्ष स्थलों में से एक लाल किला है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। लाल किला रेत के पत्थरों से बनाया गया है और आप इसके लाहौर गेट से होते हुए बाजार में गहनों के महल से और यहाँ तक कि सुल्तान के पूर्व निवास तक भी जा सकेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपको शहर खूबसूरत बनाने वाले कई संग्रहालयों और धार्मिक संरचनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए।
नंबर 5 एलोरा और अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में आप एलोरा और अजंता दोनों गुफाओं को देख सकते हैं। एलोरा में चट्टानी परिदृश्य से उकेरे गए मंदिरों का एक विशाल परिसर है। यह 34 गुफाओं वाला मंदिर 1500 साल पुराना है और ये 3 अलग अलग धर्मों से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। दो घंटे की दूरी पर अजंता है जो 29 गुफाओं का घर है। अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों और चित्रों से आच्छादित है जिनमें से अधिकांश बौद्ध भंडारों को दर्शाती है, जबकि गुफा परिसर एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर है। इन अविश्वसनीय आकर्षणों की तुलना करने के लिए दोनों का दौरा करना उचित है। नंबर 4 वाराणसी। वाराणसी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह पवित्र शहर दिव्य गंगा के तट पर स्थित है और हिंदुओं द्वारा इसे एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। यह शहर उन धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है जो नदी किनारे घाटों पर होती है। तीर्थ यात्री गंगा के पानी में खुद को धोते हैं और हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार करती है। नदी के किनारे जीवन और मृत्यु के दृश्य चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वाराणसी की यात्रा भी चिंतनीय है और अंततः पर्यटकों को भारत की गहराइयों को समझने में मदद करती है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभ्यास करने में मदद करती है। नंबर 3 केरल। भारत का दक्षिण पश्चिमी राज्य जिसे केरल के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सुंदरता का स्थान है। नारियल के पेड़, सफेद रेत के समुद्र तट और इको टूरिज्म सभी इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए आगे आए हैं। अपने प्रसिद्ध बैक वाटर, मोहक हाउस बोट और मंदिर उत्साहों के अलावा केरल में केकड़ी टाइगर रिजर्व भी है। केरल का केंद्र कोची शहर है जहां आप स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योग को आधुनिक एवं चुंबी इमारतों और वास्तुकला के साथ तलते फूलते देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
नंबर दो आगरा। आगरा एक चीज के लिए जाना जाता है, प्रतिष्ठित और अंततः प्रभावशाली ताजमहल। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ताज में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। एक सम्राट द्वारा अपने पत्नी के लिए एक असाधारण स्मारक के रूप में निर्मित मकबरे का सफेद संगमरमर रोमांस और रोमांच का प्रतीक है। आगरा स्वयं अपने भव्य स्मारक की छाया में बैठता है, लेकिन एक छोटा और स्वागत करने वाला शहर है। प्राचीन मुगल युग का आगरा किला देखने के लिए एक आकर्षक स्थान है। यहाँ की दीवारों पर झाके और ताज की अपनी पहली सम्मोहित करने वाली झलक को देखें।